देखिए ऐसा है कि मैंने तो बहुतों की घंटी बजाई है, आप सब लाफिंग कलर्स की घंटी बजाओ, चल जल्दी करो। हाय मैं हूँ प्रीतो फ्रॉम वैंकूवर और मुझे यकीन है कि मुझे बहुत जल्दी मिल जाएगा मेरा राजकुंवर। और आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे शो में। है? सफेद मेरा रंग ही बहुत गोरा है, बाल सफेद, मर जाना भाग जाए तू, मार देना मैं तेनू बदतमीज। पता क्या कह रहा है मेरे को, कह रहा है मेरे बाल सफेद हो रहे हैं। बाल सफेद हो रहे तो क्या हो गया, बाल हैं तो सही, वो भी इतने घने और स्ट्रेट। ला 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 ला। प्रीतो, तुमने मुझे यहाँ पर इंटरव्यू क्यों बुलाया? और मेरे इंटरव्यू से पहले तुम सारी दुनिया को अपने स्ट्रेट बाल दिखा रही हो, यू हेयरिस्ट। हेयरिस्ट मतलब? अरे जैसे रेसिस्ट होते हैं जो काले और गोरे के बीच फर्क करते हैं, वैसे तुम जैसे लोग कर्ली और स्ट्रेट बालों के बीच फर्क करते हैं। तुम जैसे लोगों की वजह से हम जैसे लोगों को अपने बाल रोज स्ट्रेटनर की आग में जलाने पड़ते हैं, तब जाकर एक शैम्पू की एड मिलती है हमें। अरे कंगना आप तो बाल की खाल निकाल रहे हो। है? एक काम करते हैं, रुको रुको, सुनो सुनो भैया, जरा एक गिलास पानी भर के लाना। पानी भर के लाना? तुमने उसे ऐसे कैसे कह दिया? तुम्हें पता है कोई रुकी मेरे आगे इंडस्ट्री की बड़ी बड़ी हीरोइंस पानी भरती है, मैंने आज तक खुद का भरा हुआ पानी नहीं पिया, तो मैं इसका पानी क्या पीऊंगी? मैं सिर्फ नीट पीती हूँ, नीट। आप ना बहुत ही नीट एंड नॉट सो क्लीन बातें करते हो। क्या मतलब तुम? मैंने आज तक जिसके बारे में भी कहा, जो भी कहा, एकदम नीट एंड क्लीन कहा, साफ साफ कहा है। एक बात बताऊं कंगना, आपको ना बिल्कुल भी साफ साफ बोलना नहीं आता, अपनी जबान दिखाएं जरा। अच्छा छोड़ो छोड़ो सारी बातें छोड़ो, देखो आपके आने की वजह से हमारा स्टूडियो कितना रोशन हो गया। रोशन? तुमने यहाँ पर रोशन को भी बुलाया? तुम कितने पैसे दिए रोशन? बताओ कितने पैसे दिए तुमने? मैं जा रही हूँ यहाँ से, मुझे कोई इंटरव्यू। सुनो सुनो, अरे कंगना आप क्या बुक कर दिया? चल मेरी बात तो सुनो। चुप करो, मुझे कैब वाले को ऑर्डर समझाने दो। एक बात बताऊं, कैब वालों को तो हमारी बात समझ भी नहीं आती और इनकी बात हमें समझ भी नहीं आती, तो इनकी बात कैब वालों को क्या खाक समझ में आनी है? समझ में आया आपको? हेलो, हाँ भैया सुनो, तुम जहाँ भी हो वहाँ से तो राइट लोगे ना, तो पूरा घोल घोल घूम के तुम्हें आना पड़ेगा, और उस सिग्नल के बच्चे तो राइट लोगे, वहाँ पे एक पेड़ है, पेड़ के साथ एक बिल्डिंग, उस बिल्डिंग में जाता है, दूसरी वाली बिल्डिंग के सामने सेकंड फ्लोर पे मैं हूँ, मुझे वहाँ पहुँच के फोन करो। हाँ समझ में आया, इतना साफ साफ बोला। फिर से सुनो, जब तुम जहाँ से हो वहाँ से ओसी वाला डिपो के पूरा राइट लेकर पूरा लेफ्ट लेकर पूरा यूटर्न मारोगे तो सिग्नल से आगे उसके यहाँ पे पेड़ आएगा, पेड़ के आगे बिल्डिंग होगी, बिल्डिंग के साथ दूसरी बिल्डिंग, उस बिल्डिंग में वहीं आना, वहाँ पहुँच के मुझे कॉल करो। ओह तो फिर अपना एड्रेस बताओ, मैं आती हूँ। क्या बोल रहे हो भैया, बिल्कुल साफ साफ समझ गया ना, मैसेज कर दो। अरे कंगना आप कहाँ जा रहे हो, मत जाओ, हमारा इंटरव्यू चल रहा है, आप ऐसे नहीं कर सकते। हाँ भैया तुम्हारा इंटरव्यू यूनिक ही है बिल्कुल, तोतली। तुमने मुझे तोतली कहा? तुमने नेशनल टीवी पर सबके सामने मुझे तोतली कहा? नहीं नहीं मैंने तो ये कहा कि आप बिल्कुल यूनिक ही हो, टोटली। तो साफ साफ बोला करो,